लेकिन बहन जी के आने के बाद वो बातें उतनी सार्थकता के साथ नहीं उठाई जा रही है। मजबूर हो करके हम अपने संगठन के परिप्रेक्ष्य में जहां संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए हमें आगे आना पड़ा है। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम कहीं विदेश से नहीं आए। मूल निवासियों के साथ में हमारा इतिहास है और हम मूल निवासियों की उपेक्षा इस देश में जैसे हो रही है, संविधान में अधिकार रहते हुए भी हमारी उपेक्षा जिस तरह से हो रही है, हमको मजबूर होकर के आगे आना पड़ रहा है। आ बैल मुझे मार, ऐसा आह्वान किया जा रहा है, जबकि चाहे जो भी विदेशी आक्रमण हुआ, सबसे पहले अपने सीने पर हमने झेला है। वक्त गुलशन पे पड़ा तब तो लहू हमने दिया, बाहरें आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। हमारे आदमी का सर्वेक्षण कर लीजिए, इन मूल निवासियों का सर्वेक्षण कर लीजिए, आज हाशिए पर चले गए हैं। ये कहाँ पर हैं? आपके NDTV में ही कितने लोग, राजभर समाज के दलित लोग कितने हैं, पिछड़े लोग कितने हैं, मूल निवासी कितने हैं, ये आप खुद उठाइए, खुद सर्वेक्षण कर लीजिए, इसकी एनालिसिस करिए सर जी, और आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस देश, ये देश की भूमि जिसकी थी वो आज हाशिए पे चला गया, और जो विदेशी आए वो सब कुछ हो गए। ये हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। आरक्षण पर जितने भी संविधान की धाराएं बनी है वो सब हमारे विपरीत जा रही हैं, हमारे विपरीत काम हो रहा है। मजबूर हो करके एक क्रांति के लिए हमको आगे आना पड़ रहा है, और हम आएंगे ही, इसको कोई रोक नहीं सकता है। सर आपका नाम? MP राजभर। MP राजभर जी। MP राजभर जी, अभी जो 3 साल से जो देश की जो हालत चल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देश की हालत बहुत ही विभत्स स्थिति है। मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, फिर भी मुझे बोलना पड़ रहा है कि 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना सिर्फ जो सगुफे छोड़े जा रहे हैं वो सब फ्लॉप शो चल रहा है। उनका ही एक वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री ये कर रहा है कि DGP एकदम नीचे जा रही है, देश की अर्थव्यवस्था एकदम खस्ते हालत हो गई है, जो घोषणाएं हो रही है वो धरातल पे जीरो दिखाई दे रही हैं, ग्रास रूट लेवल पे वो पहुंची नहीं रही हैं। देश की हालत बहुत ख़राब चल रही है, और धर्म को शस्त्र से नहीं, शास्त्र से इस देश को चलाने की साजिश चल रही है, और शास्त्र से कभी देश नहीं चलता है। आपने देखा धीरे धीरे बातें आ रही है, जितने बाबा लोग हैं क्या कर रहे हैं, आप लोग खुद ही उसको प्रसारण कर रहे हो, क्या हो रहा है, जो कभी नहीं हो सकता वो धर्म के नाम पे हो रहा है। ये धर्म कभी देश की सुरक्षा नहीं कर पाया, हमारे धर्म की जो ओरिजिन थी गौतम बुद्ध की, वो आज विदेशों में जा कर के उनसे हम बुलेट ट्रेन खरीद रहे हैं, यहीं से सीख करके वो लोग गए, यहीं से सारी चीज़ सीखी, क्योंकि हमने असलियत को छोड़ करके नकली चीज़ पकड़ ली है, इसलिए बुलेट ट्रेन जापान से मंगा रहे हैं आप, और अपनी अच्छी चीज़ को आपने छोड़ दिया, ख़राब चीज़ को एक्सेप्ट किया है। देश की हालत बहुत विभत्त चल रही है, आप लोग खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं उसकी, इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं MB राजभर, मेरा नाम है। आरक्षण क्या चीज़ है? धारा 15 से शुरू होता है और धारा 342 तक चला जाता है, आप पढ़िए। आरक्षण को सत्यानाश किया जा रहा है, जो भी चाहे, देखिए आरक्षण 4 स्तंभ हैं, ये भारतवर्ष खड़ा है 4 स्तंभ पे, एक मीडिया है जिसमें कोई आरक्षण नहीं है, एक न्यायपालिका है जिसमें कोई आरक्षण नहीं है, एक कार्यपालिका है जिसमें 50% आरक्षण है, और एक विधायिका है जिसमें केवल 22.5% आरक्षण है। केवल कार्यपालिका और विधायिका में आरक्षण है, बाकी और 2 स्तंभ एकदम खाली हैं। उसमें भी जो कार्यपालिका है, आप बैकलॉग देख लीजिए कितने खाली पड़े हैं, क्यों नहीं भरे जाते, क्यों देश की हालत खस्ता हो रही है, इनका अपलिफ्ट क्यों नहीं हो रहा है,
जो संविधान की मूल भावनाएं हैं उनके विपरीत सारे काम हो रहे हैं। उकसाया जा रहा है हमको कि आप आगे आओ, और जिस दिन ये दबा कुचला समाज आगे आएगा, सभी लोग अब पढ़ लिख रहे ले रहे हैं, जब आगे आएगा तो निश्चित है इस देश में क्रांति होगी। क्रांति के लिए उकसाया जा रहा है, कुछ निमित्त मात्र लोग 2-3% जिनकी आबादी है पूरे देश को चला रहे हैं। पहली तारीख को सारा रेवेन्यू उनके घर में जाता है, विकास किसका हो रहा है, विकास किसका कर रहे हैं? जो बौद्धिकता होनी चाहिए, जो बौद्धिकता मानव समाज के लिए होनी चाहिए, वो केवल धर्म विशेष के लोग, जाति विशेष के लोग, वर्ण विशेष के लोग उठा रहे हैं, बाकी सब लोग हाशिए पे चले गए हैं। ये क्रांति होनी है, निश्चित होनी है इस देश में, इसे कोई रोक नहीं सकता। आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं कहता हूँ भारत का संविधान है ये देश, शास्त्रों से नहीं चलता, संविधान से चलता है। संविधान में विश्वास करने वाले लोग संविधान से अपना हक मांग रहे हैं, वो हक नहीं देंगे तो निश्चित है कि हम छीन करके लेंगे। और इसकी तैयारी सारे दलित उपेक्षित पिछड़े वर्ग के लोग सब तैयार हो रहे हैं, और तैयार होना चाहिए, तैयार हो रहे हैं। ये लड़ाई बड़ी निर्णायक होगी, ये चाह रहे हैं कि गृह युद्ध हो, ये विदेशी लोग हैं, ये विदेशी लोग चाह रहे हैं भारतवर्ष में गृह युद्ध हो। भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, कब हुआ करता था, जिस समय गौतम बुद्ध का शासन था उस समय हुआ करता था, आज मिट्टी की चिड़िया बन गया है सारी चीज़। विदेशों में जा कर के प्रधानमंत्री जी ने इतना खर्चा किया है, निवेश कितना आया आप कंपेरिजन कर लीजिए, इस देश में विदेश के लोग कितना निवेश किए और कितना खर्चा हुआ। अमेरिका गए थे, 350 का स्टाफ गया था, कितने होटल बुक किए गए थे, सारा रेवेन्यू पैसा विदेशों में ले जा कर के खर्चा कर रहे हैं, और देश को कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितने लोग निवेश कर रहे हैं वो तो बताइए। आपने कहा था 15 लाख आएगा हर खाते में, विदेशी धन आएगा, जो बाहर गया पैसा सब वापस लाएंगे, कितना आया क्यों नहीं एनालिसिस करते आप लोग, वो समाज को जानने का अधिकार है, बताइए। इसलिए क्रांति होनी है, सब लोग उभर रहे हैं, क्रांति तो होनी है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आप इन चीज़ों की एनालिसिस करिए। अंग्रेजों के जो लोग मीडिया के लोग हैं उनको यहाँ बैठ क्यों नहीं देते, अंग्रेजों को निवेश क्यों नहीं कराते, उनकी मीडिया को यहाँ निवेश कराइए, उनकी मीडिया को यहाँ बुलाइए, वो सही पिक्चर देंगे भारतवर्ष की। यहाँ की मीडिया में 95% लोग एक जाति विशेष के लोग भरे हुए हैं, उनको देखिए वो क्या रिपोर्टिंग करेंगे, कौन सी रिपोर्टिंग करेंगे, किसकी रिपोर्टिंग करेंगे, ये तो समझदारी की बात है, कुछ समझ सकते हैं आप।